तो भाई आज हमारी है बारात, एकदम के चक्कर में सुबह सुबह चलान हो गया। वाह, अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अंदर व्लॉग। आप कह रहे होंगे सुबह सुबह बाल उजड़े हुए, पता नहीं कहाँ जा रहा है बंदा। तो भाई आज हमारी है बारात और मैं जा रहा हूँ सैलून। सुबह के 7 बजे हुए हैं और इतनी बुरी हालत हुई है, इकरा तैयार होके वेट कर रही है। हमारा शूट था और शूट बहुत लंबा चलना, जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा लेट हो जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शूट करवाएंगे ताकि अच्छे से पिक्चर ले सके, अच्छे से यानी कि इवेंट को फिर बाद में एंजॉय कर सके। तो अब जाना है, अब उठना पड़ा है। इतनी देर रात को लेट सोए थे, वो बेचारी अकेली वहाँ पे वेट कर रही है, उसका मेकअप वगैरह हो रहा है। जाते हैं, मैं जाके तैयार होता हूँ, शेरवानी वगैरह सब कुछ पीछे रख लिया है, कपड़े पड़े हैं, शेरवानी इधर पड़ी हुई है। तो बस अब निकलते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ तैयार होके। लेट्स गो। एकदम के चक्कर में सुबह सुबह चलान हो गया। वाह, फोन पे बात करी, फोन ना उठाओ तो लड़ाई, फोन उठाओ तो चलान। चलो अब निकलते हैं, जाके लेट होने, जल्दी से पहुंचते हैं। सुबह सुबह सलामी मिल गई आपको? सुबह सुबह सलामी दे के आ रहा हूँ मैं। हम लोग पहुंच गए सैलून। देखें भैया, पूरा सैलून खाली है, स्पेशली खुलाया गया हमारे लिए। और भाई भी आ गए हैं जिन्होंने हमें मेहंदी पे रेडी किया था, बहुत आला सा। भाई यार बहुत तारीफें हुई हैं, अब बारात पे आपने अच्छा सा रेडी करना, ठीक है? रेडी होते जल्दी से फिर आते हैं, तैयार कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। एक इंतजार कर रही है, एक तैयार हो गई है, बहुत डांट रही है। एज यूजुअल मैं लेट हो गया हूँ, वैसे कभी नहीं लेट होता, शादी में स्पेशली लेट हो जा रहा हूँ। तो गाइस मैं हो गया हूँ तैयार, बस अब निकलते हैं जल्दी से, बहुत लेट हो गया। एक वेट कर रही है, आपको फुल लुक वगैरह जाके वहां दिखाऊंगा, शेरवानी भी वहां जाके पहनेंगे, कुल्ला भी वहां जाके पहनेंगे। शूट के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से निकल फिर पहुंच के आपको दिखाता हूं। लेट्स गो। हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन पे। मैं भूल ही गया हूं कि मैं कहां पे आया हूं, जब मैंने एक लड़की को देखा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? गुड, आप कैसे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी नजर लग रही तुम्हें है? ना गाइस, जोर से नजर है, बहुत प्यारी लग रही है। पता मैं सुबह से तैयार हूं, मेरे से कैमरे में ना बोला नहीं जा रहा सही तरह, लेकिन जेन्युइन बहुत अच्छी लग रही। थैंक यू, अब भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेगम ने बहुत इंतजार किया सुबह का, उसके लिए सॉरी। हम सुबह के तैयार होके बैठे हुए, हम लोग लेट हो गए थे और हमने यहाँ से राइट होना है, ठीक है? तो लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं फुल लुक और अपनी भी फुल लुक। हम लोग वेट कर रहे थे सनलाइट का, सर्दियों में सूरज ऐसा नाराज होता है निकलने का। ये देखें, सारी सिर्फ कोई सूरज नहीं, कोई रोशनी नहीं है, अब समझ नहीं आ रही क्या करना, लेकिन लोकेशन पे जाते हैं फिर देखते हैं क्या सीन हो। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, बहुत अच्छा बॉम्ब शूट करेंगे इंशाल्लाह। लोग पहुंच गए हैं लोकेशन पे, लोकेशन आपको दिखाता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखे, ये लोकेशन मेरे घर के बाहर नहीं, ये इस बंदे ने की है, ये इस बंदे ने, ये जो बाबर है, ये जो शमसी है, इन्होंने किया ना। इकड़ो को देखो कैसे खड़ा किया हुआ है, मुझे टपनी बना खड़ा किया। बस अब लोकेशन से शूट वगैरह करवाते हैं, फिर निकलते हैं आगे, दूसरी लोकेशन पे भी जाना, ठीक है? शूट। So guys, हम लोग आ गए सेकंड लोकेशन पे, यहाँ पे भी शूट होगा दोबारा से, और ये मेरा हो गया कंप्लीट, और इकरा मैडम का शूट फिर से नीचे से हो रहा है। अभी यहाँ पे ऊपर आएंगे और यहाँ पे शूट दोबारा से किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे फूल वगैरह फेंकेंगे, बड़ा स्टैटिक लुक आएगी वो कह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो एक ही बारी शादी होती है, जरा खुल के शूट करवाते हैं। शूट कम्प्लीट हो गया, बस निकल रहे घर के लिए, सैरेबंदी के लिए सब वेट कर रहे हैं। 4 घंटे शूट किया आज हमने, 4 घंटे लेट हुआ, 4 घंटे तो उसने 4 घंटे शूट करवाया मेरे से। क्यों? क्योंकि मैंने शूट कराना था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा, वर्थ इट था शूट। बस निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं हम घर के लिए, वहाँ पे सारा बंदी वगैरह करते हैं। इसको हम पहुँच गए हैं इकरा की तरफ, इसको इकरा को यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से फिर ये टचअप वगैरह करा के जाएगी वेन्यू। ओके फिर मिलते हैं, मुझे लेने आएगा। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, बारात के साथ आएंगे इंशाल्लाह, मुलाकात होती है वेन्यू पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, टेक केयर, लफीज। अब मैं निकलता हूँ घर सेराबंदी के लिए। लस्को, मेरी सेराबंदी हो गई थी, मैं नहीं बना सका क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। अंकल का फोन पे फोन आ रहा है, जल्दी से निकलते हैं, 7:30 हो गए हैं, 10 बजे इवेंट खत्म करना है। बस अब सारी फैमिली पीछे आ गई है, वो देख सकते हैं, सारे आगे भी सारे आ गए हैं। अब निकलने लगी है बारात अपनी बेगम को लेके आने के लिए, और बहुत सरप्राइज है उसके लिए जब वो वापस आएगी, वो भी आपको लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बस निकलते हैं, लस्को। हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए हैं, वहां से बग्गी आई है, हमारी एंट्री होगी, हम जाएंगे। ये सरप्राइज था, अभी एक और सरप्राइज है, जब घर जाएंगे तब वो दिखाएंगे। Let's go.
गाइस हमारी एंट्री वगैरह हो गई थी, अब मेरी दुल्हन की एंट्री होने लगी। आपने देखी एंट्री कैसी लगी आप लोगों को? ये इकरा ने प्लान किया हुआ था, मैंने थोड़ा सा मेरी थी, उसने कहा था ऐसे आना है, मैंने कहा ठीक है। दुल्हन आ रही है वहाँ से, वो देखो वहाँ से आ रही है, तो आती हो दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे भी सारे मेहमान वगैरह आ गए हैं, तो अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा हूँ, मतलब देखते हैं कैसे। और माशाल्लाह डेकोर बहुत ही प्यारा हुआ है, ये देखें, वाह 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 वाह। बेगम की एंट्री हो गई माशाल्लाह। मांगना शुरू तो नहीं होना, दूध पिलाओगे तो हार जाओगे। बिल्लियाँ दूध पीती है, जिसमें से दूध नहीं निकलेगा ना, जिसमें से आपने दूध पी लिया अगर आपको मिल गया तो जीत जाए। हम कर जाएंगे, दुल्हन को चुको निकल जाओ। निकल आया अंदर से तो पाकिस्तान पे कर्जा नहीं है। अच्छा 50 लाख में कितने जीरो होते हैं काउंट किए बगैर बताओ जल्दी। कोई एक पी के मेरी बात सुनो, इस बार फिर 5,000 ले लो जान छोड़। स्ट्रॉ के ऊपर टेप लगा तो हमारे बॉय ने दूध पीना नहीं, उसको जबरदस्ती पहले कन्विंस किया पी लो, फिर जो पीने की कोशिश करे टेप लगी हुई है। पैसा निकाले, उतना ही देने जितनी बात हुई जितने की बात हुई थी उतने से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 5 के बाद 5-0
अंकल को नहीं लाओ भाई। चलो भाई सारा दूध पी। अच्छा अच्छा, क्या डिमांड है फाइनल डिमांड? मैं लूटा गया हूँ और मेरी बेगम ने मुझे नहीं बचाया है। बेगम दूध पी रही थी, बेगम को बहुत भूख लगी। मैंने आपका साथ दिया, मैंने उनका साथ नहीं। हाँ, देखा मैंने। और हमारी दूध पिलाई हो गई है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। चलो अब यहाँ से निकलते, निकलने का टाइम हो गया। चलो जी सरप्राइज देने लगे सारे। अच्छा सरप्राइज, इससे बुरी फोटोज नहीं मिलती। हम लोग हो गए हैं रुखसती से फ्री, बारात से फ्री। अब हम जा रहे हैं अपने घर जहाँ पे है क्रिकेट सरप्राइज। अब आपने कह रहा था अब दिल वाले दुल्हनिया ले गए हैं। मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। सरप्राइज बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। अभी जाएंगे घर में, गोटा भराई की रस्म होगी। जैसे इसकी बहनों ने मुझे लूटा, मेरा भाई अब उसको लूटेगा और पैसे लेवल हो जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, अब तो एक ही चीज है ना, अब एक ही चीज है। मैंने आपका साथ दिया था, यहाँ मेरा साथ दोगे? मेरा, मैं तुम्हारा साथ सारी जिंदगी दूंगा इंशाल्लाह। एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? जितनी बार जीत सकता हूँ उसी तरह ही जिंदगी चलती है। माशाल्लाह इंशाल्लाह चलाएंगे जिंदगी को, अभी चलते हैं गोड़े पकड़ने। लेकिन इतना रोई क्यों हो तुम है? यार पता है इमोशनल हो गई थी, लेकिन ज्यादा नहीं रोई, मैंने बड़ा कंट्रोल किया है। क्योंकि मुझे पता है मैं ज्यादा रोती तो मेरी अम्मा ने ज्यादा रोना, तो मैं नहीं चाहती कि वो ज्यादा रोए, इसलिए मैं कंट्रोल किया। आई एम द एल्डर वन, तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे अंदर एक है पावर कि आई एम स्ट्रांग वन, आई कैन हैंडल देम। तो मैंने इस तरह से कॉप किया उसको। तो चलो चलते हैं, आप घर जाके दिखाते हैं। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा इवेंट हुआ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। सब कुछ बहुत अच्छे से किया हम लोगों ने। अपनी बेगम घर लेके जा रहे हैं बेशक। अभी हमने जाना है, एक और भी सरप्राइज है, काफी सरप्राइजेस है। क्या क्या रोलर कोस्टर वाले सरप्राइज है, ऐसे ऐसे ना। देखो जी मेरी बेगम अपने घर जा रही है, सरप्राइज तो बनते हैं ना। तो बस अब चलते हैं, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आप सबकी दुआओं के लिए। हमारा बस एक इवेंट रह गया, आपने इस तरह ही हमें दुआएं देनी है, प्यार करना है। आप लोगों का प्यार रहा तो वो भी बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।